आज की टॉप 10 सुर्खियां। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मुकदमा। मुख्तार ने वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों पर 500 ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कर दी थी हत्या। गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी के भाई अफसाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में अपने भाई मुख्तार अंसारी के साथ अफसल अंसारी भी था शामिल। दिल्ली पुलिस जल्दी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग शिकायतकर्ता से करेगी संपर्क। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2012 से लेकर 2022 तक अलग अलग जगहों पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के साथ धरने पर बैठकर किया उनका समर्थन। बीजेपी को घेरते हुए कहा, ये लड़कियां जब मेडल जीतकर आती हैं तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन आज जब ये सड़क पर इंसाफ के लिए बैठी हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों से मिले। मौके पर केजरीवाल ने कहा, हमारी बहनों के साथ जिसने भी दुर्व्यवहार किया है उसे तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पे साधा निशाना। कहा, उन्होंने मुझे 91 बार गाली दी लेकिन हर बार जनता ने उन्हें नकार दिया। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले में 12 मई को होगी अगली सुनवाई। आरोपी लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य को जस्टिस दिनेश कुमार गौतम के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था पेश। कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। दिल्ली राव जवनी कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ाया। न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद सिसोदिया ने कहा, मोदी जी जितनी भी साजिश कर लें, लेकिन वे दिल्ली में केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7171 नए मामले, 9669 लोग हुए ठीक, 25 लोगों की हुई मौत। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।